जी, आप कसाब पंचायत के वार्ड नंबर 4 से प्रतिनिधि हैं? जी, हम कसाब वार्ड से 4 से हैं प्रतिनिधि। और आपके वार्ड में जो 7 निश्चय योजना है उसका कोई काम चल रहा है? अभी तो कोई नहीं चल रहा है काम, जो पैखाना वाला था वही शुरू हुआ। शौचालय वाला? हाँ, तो शौचालय में जैसे आपके वार्ड में कितने घर में बना हुआ है शौचालय? 80 घर। 80 घर? 80 घर। और आवेदन देने वाले कितने लोग लमसम थे? 100 तक हैं। 100 थे, उसमें से 80 घर में बन चुका है। 80 घर में बन चुका है। अच्छा, तो आपका वार्ड चयनित नहीं है? नहीं, अभी चयनित नहीं है। तो क्या प्रयोजन हुआ, क्यों नहीं चयनित है? तो BDO साहब बोले कि अभी पैसा नहीं है इसलिए। अच्छा, BDO साहब के पास पैसे नहीं है? हाँ, इस वजह से चयनित नहीं है। हाँ, इसी वजह से चयनित नहीं है। तो आपके वार्ड में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बाकी हैं, समस्याएं आपके पास आती हैं? हाँ, समस्याएं आते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हम आपको चुने हैं, आप ही तो हमारे समाधान कीजिए। पेंशन के लिए बहुत कोई आता है और कुछ कमी है जो बोलते हैं कि आप कीजिए, तो जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम कैसे करेंगे। मतलब आपकी जनता आपसे सीधा सवाल करती? हाँ, है सीधा सवाल करती है कि हम आपको चुने हैं तो आप ही ना कीजिएगा हमारा समाधान। तो आप जैसे बता रही हैं कि समस्याएं आती हैं और आप उसको दूर नहीं कर पाती हैं। हाँ, आवास को लेकर के, पेंशन को लेकर के, तो इस बात के लिए आप सरकार से क्या आशा रखी हैं, क्या मतलब मांगना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं? यही कहेंगे सरकार देखे, ये सब का मांगे पूरी करे, क्योंकि हम सरकार के पास जाएंगे और ये जनता है जो तो हमारे पास ही ना आएगा। तो अब सरकार से क्या चाह रहे हैं? यही कि सब जो कह रहा है उसी को माने, सरकार पूरा करे सबके मांग। घर दो, जिसका घर नहीं है देख के गरीब लोगों को घर बनवाए, जिसके 4-4 बेटियां हैं, खर्चा नहीं चल रहा है, वो घर कैसे बना सकता है? आप उस पर ध्यान दे। जो बूढ़ बुजुर्ग है, जिसका बेटा है फिर भी वो नहीं मान रहा है, बूढ़ वो आती है कि हमारे पेंशन बनवा दीजिए, जिसका है उसका पेंशन बन जाता है, मेरा पेंशन नहीं बन रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो उसका BPL नाम है, BPL में नाम नहीं है तो पेंशन नहीं बन रहा है, कारण यही है। तो बहुत लोगों का BPL में नाम ही नहीं है, यही दिक्कत है। मतलब जनता कुछ ऐसी भी आती है जिनका BPL में नाम नहीं है, इसी की वजह से पेंशन नहीं बन रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप विवश हो जाती हैं? हाँ, कुछ नहीं कर पाएं कि BPL नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपके वार्ड में और कोई समस्या आपको दिख रहा है, जैसे गली नली या और कुछ? नहीं, गली नली तो बन गया अभी। गली नली बन गया है, ठीक है। तुम पूरी गली कंप्लीट हो गई है? हाँ, उधर थोड़ा ईंट सोलिंग पर ढलैया उलैया बाकी है और इधर तो बन गया है। अच्छा, तो फिर आप BDO साहब का इंतजार कर रही हैं कि पैसे आए? हाँ, तो चयनित हो? हाँ, चयनित होगा तभी तो हम लोग का कहा। अब जनता सोचे कि हम आपको चुने हैं तो कुछ तो करना होगा ना, कि चुने आप कुछ किए नहीं तो मुझे तो फिर चुनेगी नहीं जनता। तो करने में कहाँ बाधा आ रही है आपको? यही पैसा का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं, फंड नहीं आएगा तो हम कहाँ से काम करवाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो आप पे दोष भी लगाते हैं? हाँ, दोष लगाते हैं। तो आप उनको क्या सांत्वना देंगे, क्या बोलेंगे? कहेंगे कि हम पूरा करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, अगर सरकार हमारी बात मानेगी तो हम भी आपका बात मानेंगे, अपने से तो करना नहीं है। और यहाँ तो BDO साहब बोल दिए कि हाँ, यहाँ BDO साहब बोले कि फंड पैसा नहीं है, फंड आपका रुका हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। टाइमिंग भी दिए हैं कब तक? नहीं, टाइमिंग कहाँ दिए हैं, 2019-20 में ना, 19-20 में बोले हैं, देखिए क्या होता है 19-20 में। हाँ जी, ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मैं कसाब पंचायत से वार्ड 4 से रिंकी देवी, हस्बैंड भगत।